विगत दिनों धार न्यूज चैनल पर मनावर विद्युत विभाग के मुख्य कार्यपालन यंत्री राजकुमार अग्रवाल के आम्रपाली कॉलोनी मनावर निवास पर उप जेल विद्युत डीपी से डायरेक्ट एक केबल के माध्यम से लाइन के द्वारा विद्युत का उपयोग किए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिस पर मुख्य कार्यपालन यंत्री राजकुमार अग्रवाल से विधिवत कनेक्शन को लेकर एवं विद्युत चोरी को लेकर सवाल भी पूछे गए थे तो वे बगले झांकने लगे थे। वहीं खबर प्रसारित होने के बाद आनन फानन में विद्युत विभाग द्वारा उक्त चोरी की संदिग्ध लाइन को सुव्यवस्थित किया जाकर मीटर लगा दिया गया और चोरी की इस लाइन को साफ सुथरे दिखाने की कोशिश की गई। अगर इस मामले में विद्युत विभाग के आला अधिकारी की जगह क्षेत्र का कोई सामान्य नागरिक इस तरह की विद्युत चोरी में पकड़ा जाता तो उसे भारी भरकम जुर्माने के साथ विभाग की ओर से सजा भी हो सकती थी, क्योंकि मामला क्षेत्र के आला विद्युत विभाग अधिकारी से जुड़ा है, जिसको लेकर विभाग भी इस चोरी को छुपाकर उसे सुव्यवस्थित करने में लग गया। लोगों की माने तो मनावर की आम्रपाली कॉलोनी में इस कॉलोनी संचालकों द्वारा विद्युत व्यवस्था की गई है, उसके बाद भी कुछ समय पूर्व इस कॉलोनी में रहने आए एमपीबी मुख्य कार्यपालन यंत्री को कॉलोनी एरिया से बाहर जाकर उप जेल परिसर स्थित डीपी से अवैध तरीके से विद्युत लाइन डाल अपने निवास पर अवैध विद्युत कनेक्शन लेने की क्या आवश्यकता थी। वहीं दबी जुबान लोगों द्वारा इस मामले को आला अधिकारियों तक उठाने की भी बात कही जा रही है। वहीं विभाग के सहायक यंत्री अमर वास्केल का कहना है कि कनेक्शन काफी पुराना है एवं निवास पर कनेक्शन में लगे मीटर में कोई तकनीकी खामी के चलते मीटर निकाल दिया गया था, अब पुनः उसे लगा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच करेगा कौन और इसको लेकर क्या कार्रवाई होगी। देखिए धार न्यूज चैनल की एक खास रिपोर्ट। सर जो कॉलोनी में चोरी से बिजली चलाई जा रही है उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई? उसमें मैंने जांच करने के लिए भेजा था और वो क्या कनेक्शन पाया गया, कनेक्शन ऑलरेडी था। तो सर उसमें कनेक्शन होने के बाद जितने समय मीटर नहीं लगना तो मतलब क्या करना? मीटर वहाँ पे जब कनेक्शन के लिए भेजा तो मीटर डिफेक्टिव पाया गया था, तो उसे मीटर भी बदलवा दिया। सर जो कोई मीटर नहीं लगा हुआ था, हमने खुद वीडियो बनाया है, उसके बाद मीटर लगाया तो फिर तो कनेक्शन नहीं होना सर? नहीं, कनेक्शन तो पहले से ही था। सर कनेक्शन के लिए किनके नाम से डॉक्यूमेंट लगाया गया? पूर्व से कनेक्शन जारी है, वो कार्यपालन यंत्री के राजकुमार अग्रवाल साहब के नाम से कनेक्शन लिया हुआ है। सर कब से लिया हुआ है? ये तो मुझे भी जानकारी निकलवानी पड़ेगी अब, क्योंकि ये कनेक्शन काफ़ी पुराना है। सर इतनी दूर से लाइट लाने का कारण क्या रहा, जब कॉलोनी में ये लाइट है तो फिर वो जब कनेक्शन हुआ होगा तो भी पता लगाया जा सकता है उस समय क्या स्थिति रही होगी। सर उसमें एमपीबी की केबल भी लगाई गई जो कि हिदुराई को खुद को केबल लाके देना रहता है, तो उसमें 500-700 मीटर दूर तक शासकीय केबल लगाई, उसका भी दुरुपयोग हुआ। ठीक है, अभी उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी देख करके। सर किस तरह से कार्रवाई करेंगे? उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है उस हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी।